लगाया हुआ है इस मसले पर, हमारा बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और इस शोषण के कारण सरकार कोई ना कोई जो है हमें मदद करे। और इसीलिए गवर्नमेंट आगे आगे गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम पार्टी के हिसाब से नहीं कह रहे, सरकार की ये पार्टी के हिसाब से नहीं, परसों का स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मालूम नहीं, पार्टी के हिसाब से हम नहीं कह रहे हैं, हम एक सरकार के हिसाब से कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो ये कि वाकई जो मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हमारी शरीयत को फॉलो करने वाली हैं। ऐसी हर कौम में कुछ न कुछ इस मिजाज के लोग होते हैं, औरतें और सब ये जिनके अंदर ऐसे जरासीम होते हैं कि वो अपनी तबीयत पर तबीयत के मुताबिक जो है वो चाहते हैं कि कानून हो, ये इनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं होती। तो अगर जैसा आप कह रहे हो, हालांकि हमें मालूम ये हुआ है कि भाई मोदी हुकूमत ने पहला नामा दाखिल किया, उसके बाद दाजी से कराई गई, औरतों से दस्तखत कराए गए और उसको शामिल किया गया कि 1000 औरतें जो हैं वो इसकी तायीन में वगैरह वगैरह, जो भी हो भी हर कौम में ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो उस कौम के उसूल और जाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले होते हैं, हर कौम में आपको नजर आएंगे। क्या मुंबई में सुनिए मेरी बात, मुंबई में 30 तारीख करने वाले, अभी तक 5 जगह महिलाओं ने कैंपेन चला है, बोंडी शिवाजी नगर आपको जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर महिलाओं ने इसके खिलाफ जो है ये इसके समर्थन में जो है कि 3 तलाक के ऊपर सिविल कोर्ट बोर्ड के जो है जो भी आप विरोध कर रहे हो उसके खिलाफ महिलाओं ने ही हस्ताक्षर अभियान चालू किया है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि महिलाएं भी ऐसी मिल जाएंगी हर कौम में जो है उस कौम के उसूल अदालत के खिलाफ लोग मिल जाते हैं, तो महिलाएं अगर कहीं हो गई हैं कहीं ऐसी मिल गई हैं कि जिन्होंने पूरे गोवंडी एरिया में ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया गया, गोवंडी लेवल पे ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया गया जिसमें मुस्लिम औरतों ने तलाक के मुद्दे के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट में बात की, किसी ने ऐसा नहीं किया। अभी जमात-ए-उलेमा ने कुछ डिसीजन लिया है कि लॉ कमीशन ने जो कुछ क्वेश्चन भेजे हैं उस पर ना कुछ बोलना है ना उसका रिप्लाई करना है। इसके बाद भी ये जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बयानबाजी हो रहा है, इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आपस में तालमेल नहीं है या आपस में किसने डिसीजन लिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो अभी जमाते उलेमा ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी जहाँ पर पीसी भी हुई थी और जकारिया मस्जिद में बैठक हुई थी, वहाँ पर ये डिसीजन हुआ है कि लॉ कमीशन ने जो क्वेश्चन पूछे हैं हमको उसका कोई जवाब नहीं देना, उसका बायकॉट करना है। साथ ही सब में आम सहमति बन जाए कि हमको इस मामले में कुछ बोलना भी नहीं। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लॉ कमीशन ने 1600 सवाल कायम किए हैं, ठीक है ना, उसका बायकॉट किया गया है, इसमें आप राइट हैं, लेकिन ये किसने कहा कि जो शरीयत में मुदाखलत की जा रही है इस्लामी कानून के खिलाफ जो हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये किसने कहा? उन्होंने कहा है कि हमको शरीयत में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए और उनका कहना है कि हमें बयानबाजी में नहीं करना है, कुछ बोलना है भाई। अगर हम आपको बताएंगे नहीं कि हम शरीयत के अंदर मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम आपको बताएंगे नहीं तो आप हमारा पैगाम कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे? मतलब बात तो सेम है, आप भी वही कर रहे हो, वो भी एक कर, तो ठीक है, उनका भी ये तरीका हुआ, हमारा भी ये तरीका हुआ, तो मेल तो हुआ दोनों का। मेल तो हुआ ना, वो भी यही पैगाम देना चाहते हैं, हम भी यही पैगाम देना चाहते हैं, वो खामोश होकर के दे रहे हैं, हम आवाज बंद करके दे रहे हैं। अच्छा, 20 करोड़ में से कितने ऐसे लोग हैं जो आपके समर्थन में आने वाले हैं, उसमें महिलाएं कितनी है, उनकी तादाद कितनी होगी और पुरुष होंगे वो कितने तारा, क्योंकि 50-50 पार्टनरशिप हो गया है, अगर 20 करोड़ मुसलमान है तो 10 करोड़ महिला है और 10 करोड़। ऐसा है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि मीडिया ने उन लोगों को हाईलाइट किया है जो हुकूमत के इशारे पर, वो मुस्लिम महिलाएं जो मुस्लिम नाम से हुकूमत के इशारे पर उन्होंने अपने काम को हुकूमत के साथ मिला के अपनी आवाज को बुलंद किया। एक दो महिलाएं जिनके रिकॉर्डिंग को और उनकी वीडियो को
इतना चेहरों पे दिखाया जा रहा, इतने चेहरों पे दिखाया जा रहा, ऐसा लग रहा कि पूरी मुस्लिम महिला यही तीन चार है। इसके अलावा भारत में कोई मुस्लिम महिला नहीं। आपको 20 करोड़ मुसलमानों में 8 करोड़ मुस्लिम महिलाएं नजर नहीं आ रही, 8 नजर आ रही। आप आइए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। आपको 30 तारीख का जो डेट दिया गया, इससे पहले मुमरा के अंदर, मीरा रोड के अंदर और भारत के तमाम शहरों के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी। आप खुद जाकर के देखें, किसी मुस्लिम महिला से आप पूछें तो वह आपको क्या जवाब देगी, आप खुद पर्सनली तौर पर इससे जाके तजर्बा करें, ठीक है। आपको इत्मीनान हो जाएगा कि भारत की कितनी फीसद मुस्लिम महिलाएं शरीयत के कानून के साथ हैं और कितनी जो है वो हुकूमत के साथ है। आप जो बोल रहे हैं, जो एक टाइम में तलाक बोला जाता है, तीन तलाक एक बार में बोला जाता है, जो लॉ बोर्ड भी बोल रही है, जो आपके मोदी वोदी जो भी बोल रहे हैं, वो उस पर ही अपेक्षा हो रही है कि भाई ये चीज नहीं, ये गलत है। आप भी वही चीज बोल रहे हो, लेकिन आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो वो चीज पे कोई सवाल ही नहीं उठा है अभी तक। वो भी यही बोल रहे हैं, एक मतलब वाले जो है वो गुनाहगार है। अब कई लोग तो आपके मुस्लिम वाले ही बोले कि उनको फांसी दे दो। देखिए ऐसा है, एक मिनट आपका सवाल मैंने समझ लिया कि भाई आपने ये तो सुन लिया कि तीन तलाक एक साथ देना ये मना है, गुनाह है। लेकिन ये कि तीन तलाक देगा तो एक ही पड़ेगी, ये तो हमने नहीं कहा है। अब ये जो कानून बनाया जा रहा है, जो बात आ रही है, वो ये है कि तीन तलाक दे तो नहीं पड़ेगी, एक ही पड़ेगी, ये जो लाया जा रहा है, ये हमारे शरीयत के खिलाफ है। तीन तलाक देना गुनाह है, एक साथ देना गुनाह है। हाँ। लेकिन देगा तो पड़ेगी, अगर कोई शौहर देता है गुनाहगार होगा, लेकिन वो तलाक पड़ेगी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि परेशान वहाँ पे महिला होती है, वो ये आपका बोल दिया वो हो गया क्या, ये वो ठीक है, आपके घर का कानून है, घर का नहीं, अपने हिसाब से कानून को नहीं, हम अपने कानून अपने घर से नहीं बोल रहे। जब कोई तलाक दे रहा उसकी बात हो रही है, कोई भी हो, जब मुसलमान है तो मुसलमान इस्लामी कानून के मानने वाला ही मुसलमान होगा। अब इस्लामी कानून जो है ये है कि तलाक तीन है, अगर उसने एक साथ तीन तलाक दिया, जैसे कि तीन फायर कर दिया किसी ने, तो तीन पड़ेगी वो, और वो गुनहगार होगा। तीन तलाक देना गुनाह है, ये हम मतलब लोगों को बता रहे हैं कि तीन तलाक मत दो, एक दो, फिर अगर नई बात समझ में आती फिर नहीं होता दूसरी, तो उतने में रुक जाओ। लेकिन ये हमने नहीं कहा है कि अगर कोई तीन तलाक देगा तो एक मानेंगे, अगर किसी ने दिया वो गुनहगार है, वो मुजरिम है, लेकिन तीनों पड़ जाएगी। वो ऐसे ही है जैसे कि इंडियन लॉ के हिसाब से जो है असलहा रखना, हथियार रखना, ये जुर्म है। लेकिन आपने लाइसेंस दिया किसी के पास किस शर्त के साथ कि भाई ना आप इसको चलाओगे, किसी को दिखाओगे, लेकिन अगर किसी ने डॉल को निकाल करके किसी को गोली मारी तो मरेगा नहीं मरेगा, जख्मी होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही तीन तलाक अगर देगा, हम कहते हैं कि मना है, जुर्म है, गुनाह है, लेकिन देगा तो तीनों पड़ जाएंगे, तीनों पड़ जाएगी, लेकिन परेशान तो महिला हो गई ना, तो लाइफ इसीलिए हम समझा रहे हैं लोगों को, एक साथ आप तीन न दो, एक साथ जो है जरूरत, अगर वाकई जरूरत वैसे तलाक तो खुद ही जो है अल्लाह को सब नापसंद है, एक भी देना नापसंद है, क्यों तलाक देगा। हाँ, अगर तलाक देना जरूरी है कि दोनों में जो है वो निभा की कोई सूरत पैदा नहीं होती है, तो फिर वो एक दे, तीन एक साथ नहीं दे, लेकिन अगर तीन कोई देगा तो पड़ जाएगी। इसमें मुदाखलत जो है हम बर्दाश्त नहीं करते, कि जो कानून है शरीयत का जो शरीयत में बदलाव तो कोई नहीं कर रहा है, ना आप बदलाव स्वीकार कर रहे हैं, वो अपना बना दीजिए उनको, वहाँ जाने नहीं आपको, जब अदालत में आपको जाना ही नहीं है और शरीयत में बदलाव कुछ करना नहीं है, सारे मामले आपको शरीयत से निपटाने हैं, तो वो कानून बना उनको बना दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी ने खुदा ना खासा किसी ने अपनी बीवी को तीन तलाक दे दी और उस औरत ने केस किया, तो अब ये फैसला होगा कि भाई इसको रखो तुम अपने साथ। हमारे नजदीक ये है कि तीन तलाक दे, अरे एक लाख जना तो जना हरामकारी, जो हरामकारी है दुनिया में एक जगह। शरीयत के साथ है, लेकिन अगर तीन तलाक देखिए आप देख रहे हैं आए दिन लोग तीन तलाक दे रहे हैं, तो अगर तीन तलाक कोई दे शरीयत के खिलाफ वर्जी करे, गुनहगार हो,
अब वो तीन तलाक दिया, तीन पड़ गई, हम कहते तीन पड़ गई, वो बीवी ने, उसकी बीवी ने जाकर केस दायर किया, तो अब अगर कानून बन गया तो यही आर्डर होगा कि भाई एक ही तलाक पड़ी है और शोहर जिसको रखे। हमारे नजदीक तीन तलाक देने के बाद उसी बीवी को रखना ये आराम है और जनाकारी होगी। तो जाहिर बात है कि जना का दरवाजा खोलना है, ऐसा कानून बनाना जो है इस्लाम के नजदीक, ये जना के दरवाजे को खोलना है, हम क्यों उसको बर्दाश्त करें। सर आप मानते हैं कि तीन तलाक अगर किसी शख्स ने एक साथ किसी को दिया तो ये गुनाह है? आप ऐसे कानून, जैसे अगर मोदी गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कानून बना रही है कि जिस शख्स ने एक साथ तीन तलाक दिया, तो क्या इस्लामी स्कॉलर्स और इस्लामी जितने लोग हैं वो इसके फेवर में होंगे कि उसे आदमी को सजा दी जाए, ना ही कि शरीयत के कानून में? ठीक है, वो सजा एक अलग चीज है कि किस मौके पर सजा में रहेंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई शरीयत के जितने स्कॉलर्स हैं उस फेवर में रहेंगे कि ऐसा कानून बने कि कोई इंसान एक औरत को तीन तलाक दे तो उस पर कोई कार्रवाई हो? देखिए, तीन तलाक दिया तो ये अल्लाह की नाफरमानी है और अल्लाह जो है वो सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला है, उसकी जो सजा, उसका जो अजाब होगा वो भुगतेगा। इस मामले में ये तीन तलाक हो गई, अगर तीन तलाक दिया, एक तलाक बोले, तीन तलाक एक साथ देना गुनाह है, अगर कोई शख्स इसका फायदा उठाता है तो इस्लामी स्कॉलर उस व्यक्ति का क्या करेंगे? जब तीन तलाक देगा वो तो तीन पड़ जाएगी शरीयत के मुताबिक। सीधा सवाल है, आप खुद मान रहे हैं तीन तलाक एक साथ देना गुनाह है, कुरान में भी इसके खिलाफ है, तो ऐसे जो लोग देते हैं उनके लिए इस्लामी स्कॉलर क्या करेंगे? उनके लिए वो गुनहगार होगा, अल्लाह ताला उसे सजा देगा। इस मामले में शरीयत ने हमें सजा देने का इख्तियार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला की नाफरमानी किया। कोई आदमी बहुत से गुनाह करता है, वहाँ पर लोग नहीं सजा देते, मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी सजा अल्लाह देगा, हम थोड़ी उसकी सजा देते हैं। चोरी करता है, आदमी चोरी करता है, बहुत बड़ा गुनाह। जी मैं आपके सीधे सवाल को सुनना चाहता हूँ, आपने जो सवाल किया है उसका सीधा जवाब सुनिए। तलाक देने के प्रोसीजर्स हैं, एक मिनट मैं आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, आप इतमान रखिए। देखिए, तलाक देने की दो सूरतें हुई, एक इंसान ने जुर्मन तलाक दिया, ठीक है, और एक इंसान ने इस बुनियाद पर तलाक दिया कि तलाक देना ही उसका हक था, समझे आप? पहले इस चीज को डिवाइड कीजिए। मसलन एक शख्स की शादी हुई है औरत से, और औरत जो है वो एक नंबर की बेहया है, ठीक है, अरे क्यों नहीं हो सकती भाई, आप उस पर हंसते हो रहे, सही बात है, समाज में ऐसी औरतें होती है, होती है भाई, आप औरतें भी बेहया होती भी, मैं मर्द पे भी आता हूँ, आपके पूरे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने आपको कहा ना, आप इत्मीनान रखिए। तलाक देने की दो सूरतें हुई, एक तो उसने जुर्मन तलाक दिया, ठीक है ना, नाइंसाफी किया, एक ये कि तलाक देना ही अनिवार्य था। उसकी सूरत क्या हुई कि मसलन उसकी औरत बिल्कुल बदचलन है, न बच्चों को देखती है, न घर का देखती है, हमेशा वो दूसरों के साथ भाग रही है, शराब की आदि है, जुए की आदि है, दुनिया भर के उसके अंदर ऐब है, तो क्या आप ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि वो मर्द उस औरत का आजाद जिंदगी भर झेले? ऐसी औरत के साथ आप ये चाहते हैं कि वो जिंदगी भर निभा करे? ऐसे मर्द तो है भाई, आप मेरे सीधे एक मिनट, आप मुझसे सीधा सवाल किए हैं तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, आप क्यों इधर उधर जा रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप ये बताइए इस चीज पे आइए कि वो मर्द उस औरत के साथ हर हाल में जिंदगी गुजारे, नहीं करे, नहीं ना, तो क्या करे फिर? तलाक दे। तो औरत के एक मिनट इस चीज को एक्सेप्ट किया आपने? इस चीज को एक्सेप्ट किया आपने कि तलाक एक मसले का हल है? एक्सेप्ट किया? सुनिए, है ना, अभी ना है, घुमाते है ना, ठीक, राइट, नोट कीजिएगा इसे। तलाक सुर नहीं, एक सूरत में मसले का हल है, और वो सूरत ये है कि औरत बचलन है, तुम्हारा तलाक दे सकता है, ठीक, एक बात में नहीं। अरे भाई, एक बार में हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि एक बार में दे, एक बार में देने वाला
गुनाहगारों का हम कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसी चीज को औरत को उसके साथ नहीं रह सकता है, उसकी मजबूरी है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार में छोड़े तब भी छूट जाएगी, तीन बार में छोड़े तब भी छूट जाएगी। अब आइए दूसरे मसले पे, आपने ये मर्द भी ऐसा हो सकता है, होता है राइट, मर्द भी होता है, प्रचलन हो, औरत का साथ न दे, उसका ख्याल न करे, हुकूक न दे। इस्लाम ने उसके लिए तीन ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। वो उस मर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती है, खुला ले ले, खुला का नहीं कर सकती, फसके निकाह करे, वो नहीं कर सकती, कादी साहब के अपना मुकदमा दायर करे, कादी दोनों की बातों को सुनेंगे और उसके बाद काजी को ये इख्तियार होता है कि मखसूस हालत में निकाह को फस करके उसको आजादी दे कि तू ऐसे कचरे इंसान के साथ क्यों जिंदगी गुजार रही है, तू आजाद हो जाए इसके निकाह से और किसी अच्छे शरीफ इंसान से शादी करके जिंदगी गुजार। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद अख्तर। मेरा नाम सतीश कुमार पांडे है। मैंने तीन केसेस ऐसे हैंडल किए हैं और ऐसा हुआ है जहाँ पे काजी तक ने बोला कि हमारा हक खाली निकाह करवाना है, हमारा वो जो खुला बोल रहे खुला वाला भी मामला आया था, तो खुला में क्या हुआ, वो जो है सामने वाला खुला देता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो औरत को खुला चलाने की कोशिश कर रही है, और ऐसे होते हैं तब मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की वजह से कानून नहीं बदला जाता, बुरा वो है जो कानून का गलत यूज करे। आपने बोला कि तीन एक बार देगा, बुरा शख्स वो है जो कानून का गलत यूज करे, वो बुरा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के साथ समाप्त की जाती है और आप कभी सभी पत्रकार बंधु से गुजारिश की जाती है, हमारी बात को हमने प्रेस की होगी, हमने अखबार की होगी, पहुँचाने की कोशिश करें।